जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हैं। प्रथम प्रश्न है नगमना खान, इनका जन्म है 13 जनवरी 1964, सुबह शाम के समय 6 बजे PM, लाहौर, पाकिस्तान। इन्होंने लिखा है कि काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब में प्रमोशन कब मिलेगा, मेरे हस्बैंड का बिजनेस कब बेहतर होगा। सोमवार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी व्याघात योग पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुई हैं। मंगल अस्त है और बुध बकरी है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1 जून 2020 तक है और उसके बाद बुध की प्रत्यंतरदशा 29 मार्च 2020 तक। धान्या में संकटा योगनी चल रहा है 18 मई 2020 तक, उसमें उल्का चल रहा है 31 मार्च 2020 तक। फाइनेंशियल प्रॉब्लम समाप्त होगी मई 2020 के बाद, उसके बाद प्रमोशन का भी योग मिलेगा। आत्मिक कष्ट रहेगा पर प्रमोशन होगा। आपके हस्बैंड का विकास इसी समय से होना प्रारंभ हो जाएगा और उनका अच्छा होता रहेगा। दूसरा प्रश्न है हंसा घेटिया का, इनका इन्होंने किसी के लिए प्रश्न किया है, अपनी बेटी के लिए। बेटी का नाम है रूपल, 4 सितंबर 1979, 10:45 AM, गोंडल, राजकोट, गुजरात। इन्होंने प्रश्न किया है कि पंडित जी, हम पिछले 6-7 साल से प्रयास कर रहे हैं पर मेरी बेटी का कहीं अच्छी जगह विवाह नहीं हो पा रहा है। हमने एक पंडित जी के पास इसकी कुंडली के द्वारा पता लगाया तो उन्होंने बताया था कि कुंभ विवाह कर लीजिए, अंगारक योग की शांति, शापित योग, ग्रहण दोष सब विधि 3 साल पहले ही करा दी है पर अब तक कुछ विशेष फल नहीं मिला है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जय श्री कृष्णा। बेटी का जन्म है सोमवार शुक्ल पक्ष चतुर्थी चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में, मंगल अस्त है, शनि बकरी है, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 10/10/2020 तक है और शनि की प्रत्यंतरदशा 29 मार्च 2020। संकटा में भ्रामरी चल रहा है 15 जनवरी 2021 तक और भ्रामरी में भ्रामरी 2 अप्रैल 2020 तक। ध्यान दें कि सप्तमेश अस्त है वह सप्तम पर केतु की दृष्टि, पति कारक गुरु राहु और शनि से पीड़ित है तो अक्टूबर 20 से लेकर के फरवरी 21 के अंदर विवाह का योग आ रहा है। प्रयत्न करें कि हो सके तो इस समय यह मंत्र का जप स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा है, या दुर्गा सप्तशती में संपुट लगवा करके किसी भी अच्छे विद्वान के द्वारा ये पाठ करवा लें या स्वयं करें तो भी अच्छा है, अन्यथा नहीं संपुट लगा के पाठ कर सकते हैं तो स्वयं भी इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशतश्वकः सुभद्रिकां कांपीलवासिनीं। ये मंत्र का संपुट लगा करके 21 या 27 पाठ करने से सद्य ही विवाह का योग आ गया है और जो रुकावटें हैं वो समाप्त होकर के विवाह हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है लक्ष्य सक्सेना का, इन्होंने कहा है कि सर, इनका जन्म है 8 दिसंबर 1996, दिन में 11:33 AM, बरेली। इन्होंने कहा क्या मैं लव मैरिज कर सकता हूँ, अगर हाँ तो किससे। कितना अच्छा प्रश्न है इनका। क्या मैं MSc प्लांट बायो टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ, क्या मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, कृपया बताइए। अब बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है कि अगर हम प्रेम करेंगे, लव मैरिज करेंगे तो किससे करेंगे, ये तो उनको ही पता होगा कि किससे करेंगे, हम ब्राह्मण आदमी कहाँ से बता सकते हैं। और दूसरी बात, अभी इनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लव मैरिज करें। रविवार
कृष्ण पक्ष तृतीया विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा 25 दिसंबर 2021 तक है। राहु की प्रत्यंतर दशा है 4 जून 2020 तक। इनको प्रयत्न करना चाहिए कि कट सत्य पर नियंत्रण करें, प्रेम विवाह करेंगे, रिसर्च का योग है, आप जो चाहें बन सकते हैं पर कटु सत्य बोलने पर अपना नियंत्रण रखें। इस समय प्रयत्न करें कि आप अध्ययन को ही महत्व दें, प्रेम को कम महत्व दें, बाकी प्रेम विवाह आपका होगा। चौथा प्रश्न है सागर सोनी का, 22 नवंबर 1993 6:35 आगरा यूपी से प्रश्न है। इन्होंने किया है, लिखा है कि सर प्लीज मदद कीजिए, लाइफ में बहुत दिक्कत है, कृपया मार्गदर्शन और उपाय बताइए। यहाँ पे हम देखें कि सोमवार शुक्ल पक्ष नवमी सतविशा के तृतीय चरण में मंगल अस्त है, शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा है 29 मार्च 2021 तक, केतु की प्रत्यंतर है 13 मार्च 2020, संकटा में भ्रामरी 26 अगस्त 2021, सिद्धा 21 अप्रैल 2020। प्रयत्न पहला कार्य है कि शनि की 7.5 चल रही है जो 5 वर्षों तक ठीक नहीं है, जनवरी 25 तक। अभी केतु की अंतरदशा चल रही है जो वह भी कष्टकारी है। प्रयत्न करना चाहिए कि मार्केश है, मार्च 21 तक ठीक नहीं है, अपने माता पिता को सम्मान युक्त प्रणाम कर आशीर्वाद प्रतिदिन लें, शिव को जल चढ़ावे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चय ही आप अपनी समस्याओं से निकल करके अच्छी जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं और अच्छा जीवन जीने के लिए अग्रसर होंगे। पांचवा प्रश्न है मनोज सिंह का, इनका प्रश्न इनका है जन्मदिन 25 अक्टूबर 1989 4:00 PM गाजियाबाद। लिनल लिखा है कि सर मेरा राहु ग्रह कैसा है और मैं अपना घर कब ले पाऊंगा, कृपया मदद कीजिए। बुधवार कृष्ण पक्ष द्वादशी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में मंगल बुध अस्त है, राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा 24 सितंबर 2021 तक है और राहु की अंतरदशा में शनि की प्रत्यंतरदशा 23 मार्च 2020 तक है। भद्रिका में संकटा योगिनी चल रहा है 16 अप्रैल 2020 तक और उसी के अंदर संकटा में सिद्धा योगिनी की प्रत्यंतर दशा है। ध्यान रखें कि एकादशस्थ राहु धन मान व यश पाता है, दिलाता है रहता है, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करेगा, पत्नी का बीमार रहना, लोगों से विवाद तथा बल बुद्धि का नाश भी ये करता रहता है, यानी कि बल और बुद्धि को थोड़ा नुकसान पहुंचाता रहता है। धन का अपव्यय बिना कारण यात्रा करा करके नुकसान कराने का योग बनाएगा, मन में बेवजह का बिना कारण दुख रहेगा। अक्टूबर 21 के बाद घर का योग निश्चित आएगा और आप आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। जय श्री राधे।